है गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो शाम को मैं सोची कि आप लोगों को भी साथ में, मैं टहलने जा रही थी तो सोची आप लोगों को भी साथ में लेते चलूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ आज हम लोग जा रहे हैं इवनिंग टाइम पे। और ये मेरी सिस्टर जैसी है, बिल्कुल सिस्टर जैसी, क्या मेरी पूरा बड़ी सिस्टर की तरह है, मेरी बड़ी बहन है। और ये ना, मतलब कैमरा के सामने आना चाहिए तो लाई, जो कैमरा के सामने नहीं आते ना, तो मैं उनको नहीं लाना चाहती, क्योंकि अगर जो नहीं आना चाहते मैं उनका भी रेस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनको मतलब कैमरा फेस नहीं करना है, और जिसको आना होता है तभी लाते। तो इनको आज था, तो मैं मतलब हम लोग साथ में ही जा रहे थे घूमने के लिए, तो बस ऐसे ही ऑन कैमरा था, तो वो भी मतलब साथ में मस्ती में चल दिए, और ऐसे ही रोड पर हम लोग निकल गए घूमने के लिए। सोचे कि चलते हैं थोड़ा घूम घाम के, आज आते हैं। तो वही शाम को मेरे को कॉल की और मैं बस ऐसे ही बस लेकर निकल गई, और हम लोग बस ऐसे आवारा की तरह रोड पूरा निकल गए, रोड पे चल रहे थे और सोचे जहाँ तक जाएंगे। और मतलब आपको एक ऐसा जगह मैं दिखाऊंगी ना, जहाँ पे जाते ही ना मन को इतना शांति मिलता है, इतना शांति मिलता है, मैं क्या बताऊँ। तो जब भी मतलब जैसे ना कुछ मन में मतलब अच्छा ना लगे, जिस दिन भी उदास जैसा मन रहता है ना, तो मैं वहीं चली जाती हूँ, और वहाँ चले जाने के बाद ना इतना एक अलग सा सुकून मिलता है, इतना एक अलग सा सुकून मिलता है ना, कि मैं क्या वहीं बताऊँ आपको। आप खुद ही चलिए और देख लीजिएगा ना, तो वो नज़ारा ही देखते ही आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। तो वो दीदी मेरे को आज बोली ना कि चलो चलते हैं थोड़ा शाम को हम लोग टहलने के लिए वहाँ पे। तो मेरे को ये देखिए, दुकान वकान सब बंद है, हम लोग का लॉकडाउन यहाँ 2 तारीख को खुल रहा है, यानी कि ना आज दो कल मतलब मैं ये वाला ली थी, और आज 2 तारीख है, तो आज हम लोग का यहाँ पे खुलेगा, तो ये 2 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा। तब तक तो थोड़ा बंद ही है, फिर भी बंद के बावजूद भी शाम को 5-6 बजे तक सब चलते रहता है, और हम लोग बस ऐसे ही टहलते टहलते निकल गए थे, और हल्का हल्का शाम भी हो गया था, और थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा गर्मी अभी यहाँ पे, इतना गर्मी, बारिश तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ज़्यादा धूप नहीं होने के बावजूद भी जो एक ठो गर्मी होता है ना, इतना चिपचिपा वाला गर्मी था कि मैं क्या बताऊँ। इतना गर्मी में इतना सफोकेशन हो रहा था कि बस जाने में ही नहीं बन रहा था, लेकिन ये फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच के ना बस एक एक ऐसे ही थोड़ा सा पिक लेने लगे थे। और देखिए ये मैं यहीं पर लेकर के आना चाहती थी, ये ना हमारे यहाँ के जो हमें ना एक बार मॉर्निंग वॉक में जब आई थी ना, तो आप लोग को मतलब कि ये ब्रिज में दिखाई थी, लेकिन मॉर्निंग का ना इसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है। रात में ना ये जगन्नाथ मंदिर जो है ब्रिज के ऊपर से ऐसा चमकता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। इतना अच्छा मतलब रात में इतना उस मंदिर का इतना शाइनिंग बढ़ जाता है कि मतलब शाम के टाइम में देखिए चारों तरफ अंधेरा, लेकिन ये मंदिर का नज़ारा देखिए इतना सुंदर लगता है, मैं क्या बताऊँ। और ये मंदिर मतलब जगन्नाथ मंदिर में ना यहाँ पर उड़ीसा में मान्यता है, अभी इधर इतना इस महीना में इसलिए गर्मी होता है ना, क्योंकि जगन्नाथपुरी में ना भगवान जी को भी मतलब कि अभी बुखार है, और मंदिर में अभी भगवान जी नहीं होते हैं, मंदिर खाली है। तो मंदिर में ना रथ यात्रा के दिन में ना वो फिर अपने मौसी के घर जाते हैं, वहाँ पे 14 दिन रह के जब आते हैं रिटर्न, जब 7 दिन सॉरी 7 दिन रह करके रिटर्न जब आते हैं ना, तभी उनका बुखार उतरता है, उसके बाद ही ना ये बारिश वाला जो मौसम होता है ना वो स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ का ऐसे ही मान्यता है। वो अभी बुखार से इतना मतलब उनका शरीर जल रहा है, इसे तपता है, जलते हुए शरीर के साथ ना पर धरती भी जलता है। और ये मतलब जो अभी पूर्णिमा जो गया ना, जो गंगा दशहरा या पूर्णिमा बोलते हैं ना वाला, उसी पूर्णिमा में ना इनको स्नान है, जो टेंट साइड में लगा हुआ है ना वहाँ पे जगन्नाथ जी को मतलब इतना बुखार था कि स्नान कराया जाता है, स्नान करने के बाद भी उनका बुखार जब नहीं ख़त्म होता है ना, तो उनको ना मतलब मंदिर से बाहर निकाल करके, और एक ठो मतलब वहाँ पे नीचे में ना पूरा बना है गुफा की तरह, वहाँ पे भगवान जी के भी विराजमान है। और जिस दिन रथ यात्रा होता है ना, तो उसको उसी दिन हम लोग रथ पे भगवान जी को मतलब ये कर करके ले करके, और उनको ना उनके मौसी के घर पहुँचाया जाता है। आप लोग TV में देखे होंगे, मतलब टीवी में देखे होंगे कि वो रथ यात्रा, हर साल रथ यात्रा इसी महीना में निकलता है। तो ये जगन्नाथ मंदिर मतलब इस ब्रिज के ऊपर से रात में इसका नज़ारा इतना खूबसूरत होता है, इतना खूबसूरत है होता है कि मैं क्या ही बताऊं। देखिए पूरा इतना सुंदर, और ना चांदनी रात में तो इसका खूबसूरती में और भी 4 चांद लग जाता है। ये गजब सा मतलब एक चमत्कारी मंदिर है, और यहाँ पर आते ही ना इतना सारा इतना अच्छा सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब शांति एक अलग सी मिलती है। हम लोग मंदिर में ना नीचे से भी जा सकते थे, लेकिन मंदिर के अंदर इसलिए नहीं गए ना, क्योंकि अभी तो भगवान जी मंदिर के अंदर हैं ही नहीं, तो किसी भी माने पब्लिक लोग को वहाँ पे अभी एंट्री नहीं है, तो हम लोग ना ऐसे ब्रिज के ऊपर ही, अब मंदिर में जाकर के भी हम लोग शाम को ऐसे कभी कभी बैठते हैं, लेकिन ऐसे ब्रिज के ऊपर ना जब कुछ भी हो हम लोग आकर के ऐसे टहल लेते हैं। हम लोग मार्केट वगैरह, वो देखिए पीछे से एक ट्रेन भी जा रही थी, तो उसको मतलब जैसे हम लोग वो ट्रेन देखिए पीछे से जा रही है ब्रिज के नीचे में, ट्रेन का ये है ना वहीं से,
तो बस वैसे ही जब भी ब्रिज में मतलब मन थोड़ा सा ऐसे हो, कुछ भी हो मन में, मतलब आपको कुछ भी मन में लगे और इस ब्रिज पे आकर के थोड़ा देर टहल लीजिए, घूम लीजिए, इस मंदिर को देख लीजिए, इतना अलग सा मन चेंज हो जाता है, इतना मन अच्छा लगता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और ये तो मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या ही बताऊँ, बस मतलब आप मेरे फीलिंग से फीलिंग समझ जाइए कि मतलब कैसा मतलब वो होता है, इतना सुंदर लगता है। और बहुत हम लोग कहीं भी जाते हैं इसी रास्ता से, तो अगर कोई जाते भी है ना, तो मतलब मैं गाड़ी रुका करके मैं बोलती नहीं रुकिए 2 मिनट, हम लोग यहाँ खड़ा होते हैं फिर उसके बाद जाएंगे, तो हम लोग वैसे ही 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर हम वहाँ पे मैं ही क्या यहाँ शाम को होते ही ना मतलब सब कोई बहुत लोग मतलब शाम को ऐसे टहलने के लिए, सुबह तो पूछिए ही नहीं, यहाँ 3:30 बजे सुबह से ही मतलब इतना भीड़ लग जाता है कि क्या बताएं। तो ऐसे ही हम लोग टहलते टहलते आज इधर आ गए थे, बोले कि चलिए अब चलते हैं, शाम हो चला था तो वही हम लोग अब यहाँ से जाने के लिए निकल गए थे। और भी हम मेरे साथ में 2-4 लोग थे, लेकिन हम जो अगर कैमरा के सामने नहीं आता है तो फिर वो लोग का मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनको नहीं आना है तो मैं किसी का ना बिना पूछे लेती नहीं हूँ, तो इसीलिए। और यहाँ पे एक ना तारनी मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, ये मंदिर भी बंद हो चुका था, शाम का टाइम था, और अभी तो वैसे भी मंदिर यहाँ बंद है, 2 तारीख से कल से यानी कि खुलेगा, इसीलिए हम लोग आ रहे थे। और ये पार्क को मैं देखते देखते जा रही थी, शाम के समय में ना ऐसे ही इसी पार्क में आकर के कोई बैठते थे, छोटे बच्चे लोग सब खेलते उलते रहते थे, अभी तो सब बंद है, तो बस ये पार्क तो बिल्कुल कब जाने कब से बंद है, बस बाहर से ही हम लोग देख करके बातें कर रहे थे कि कितना अच्छा हम लोग आकर के शाम को यहाँ बैठते थे। और यहाँ आसपास के जितने 8-10 सारे पार्क है, बहुत सारे पार्क है, लेकिन सारे पार्क बंद पड़ा हुआ है। और ये देखिए कितने प्यारे से मतलब ये दोनों हम लोग जब आए ना इतने प्यारे प्यारे दोनों थे कि क्या ही बताएं। इनकी मम्मी यहाँ पे तो नहीं थी तो हम लोग थोड़ा रुक गए, मम्मियाँ रहती हैं तो वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा देख कर चिल्लाने लगती है, और अकेले ये लोग थे तो हम लोग शेर बन गए थे, और दोनों ना वहाँ माजा का एक पैकेट गिरा हुआ था, उस माजा के पैकेट का मज़ा ले रहे थे और दोनों ना हम लोग जब हंस रहे थे ना तो वो लोग हम लोग को देख करके शायद वो लोग खुद को अनसेफ मतलब समझे कुछ सोचे। और ये दोनों देखिए मतलब एक सोचा ना कि भागो जल्दी से यहाँ से भागते हैं, तो वो निकल पड़ा और दूसरा उसके पीछे पीछे चल दिया। अरे ये भी आज यहाँ पे दिख गया, अरे देखिए इसको भी, ये तो बाप रे बहुत ही मतलब क्या बताएं, इतना मतलब आज सीधा साधा बन के खड़ा है, ये वैसे भी ना ये व्हाइट वाला बहुत सीधा, एक तो ब्लैक वाला इसके साथ में रहता है, दोनों मिलकर के इतने लड़ाई करते इसको, ये दोनों को देख करके लोग दूर दूर से ही भाग जाते हैं। और इसके साथ में जब वो ब्लैक वाला बुल रहता है ना, यहाँ सामने में ही सब्जी मंडी है, दोनों उस सब्जी मंडी में मतलब लोगों के ऊपर भी झपट पड़ते, इतने डेंजर है दोनों। तो गाइज आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक नई सुबह के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।